हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग लॉकडाउन 3.0 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि अब तक आप लोगों ने न्यूज में सुन ही लिया होगा कि गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है और 2 हफ्ते के लिए वापस से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या अंतर हुआ है, क्या कुछ चेंज हुए हैं, ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारा लॉकडाउन 3.0। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में चेंज करके लॉकडाउन की पीरियड को और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब ये लॉकडाउन जो 3 मई को खत्म होने वाला था, अब वो 17 मई तक जाएगा। 18 मई से अब देखते हैं गवर्नमेंट की क्या एडवाइजरी आएगी, तब तक के लिए फिलहाल लॉकडाउन की पोजीशन बनी रहेगी। अगर हम देखें कि लॉकडाउन में क्या कुछ चेंज हुए हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिलों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इसकी कैटेगराइजेशन हुई है। तो इसमें कलर कोडिंग के बेसिस पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स निकाले गए हैं, जैसा कि हमारा लॉकडाउन 2.0 में भी हो रखा था। अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये हैं, सबसे पहले हमारी है ग्रीन जोन, इसके बाद ऑरेंज जोन, इसके बाद रेड जोन है, और रेड जोन के बाद हमारा कंटेनमेंट जोन आ जाता है। अगर इनके क्वालिटी के बारे में या इनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें, तो जहां पर भी 0 केसेस हैं या कोई केस भी 21 दिनों में नहीं निकला है, वो हमारे ग्रीन जोन में आ जाते हैं। जो केस ग्रीन जोन या रेड जोन में नहीं आता है, उसको ऑरेंज जोन का बोला जाएगा। जहां पर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, नंबर 2, जहां पर डबल होने का रेट भी बहुत ज्यादा है और जहां पर टेस्टिंग की एक्सटेंट बहुत ज्यादा रखनी है, वो रखे गए हैं रेड जोन में। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन, उस जोन को बोला जाएगा जो अब हाथ से निकल चुका है, मोस्ट सेंसिटिव हो रखा है। इसको डिफाइन करने की जो पावर दी गई है, वो दी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा कि कौन सा रेड जोन कंटेनमेंट जोन में बदल गया है या नहीं बदला है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ये भी इंश्योर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हफ्ते हफ्ते पे या उससे पहले भी ये बताता रहेगा कि कौन से जिले ग्रीन में है, कौन से जिले ऑरेंज में है, कौन से रेड में है और कौन से कंटेनमेंट जोन में जा सकते हैं। तो इस तरीके से एडवाइजरी जारी हो गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट नए डिस्ट्रिक्ट को जोड़ तो सकते हैं ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन में, लेकिन इसको हटा नहीं सकते हैं। हटा पाने की पावर केवल और केवल हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजरी के बाद ही हो सकती है। तो ये हम लोगों ने फिलहाल देखा कि डिस्ट्रिक्ट का कैटेगराइजेशन कैसे हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें कि इन डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से और सब कैटेगराइजेशन किया गया है हमारे इस लॉकडाउन 3.0 में, तो देखिए फिलहाल म्यूनिसिपल के बेसिस पे यहां पर कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे कुछ जिले काफी बड़े हैं, जो वहां पर मल्टीपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ऐसा पाया गया है कि जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के पास में है, मतलब जहां पर 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्री लग रही है, वहां पर आपस में लोगों के इंटरेक्शन काफी ज्यादा पाए गए हैं। तो ऐसा बोला गया है कि अगर किसी जिले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर 21 डेज तक यानी कि 21 दिनों तक अगर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं करता है, तो वो ऑरेंज जोन ग्रीन में बदल जाएगा, रेड वाला ऑरेंज में चला जाएगा, यानी कि ये एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। ऐसा बताया गया हमारे इस नए एडवाइजरी के द्वारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैटेगराइजेशन को लेकर के। अगर हम लोग आगे बात करें कि आखिर में अलाउड क्या क्या हुआ है हमारे इस लॉकडाउन 3.0 में, तो हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रीन जोन में क्या है, जहां पर 0 केसेस हैं, 21 डेज में कोई केस नहीं आए हुए हैं। यूपी में बात करें तो जैसे लखीमपुर का एरिया ग्रीन जोन में आ गया है, पहले वहां पे केस था लेकिन अब 21 दिनों से कोई भी केस नहीं आया है, तो वो वापस से ग्रीन जोन में आ गया है। बात करें अगर कि यहां पर क्या क्या चीजें अलाउड है, तो देखिए अलाउड है ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड एक्सेप्ट द लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो कुछ एक्टिविटीज को पूरे कंट्री के लिए बैन किया गया है, जैसे जिम हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या कहीं पर भी किसी प्रकार से अगर पढ़ाई लिखाई की इंस्टीट्यूशन चल रही है वो बंद रहेंगे, पार्क बंद रहेंगे, एम्यूजमेंट पार्क हो चाहे कोई भी पार्क हो, इसके अलावा सिटी मॉल्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, या एक साधारण शब्दों में बात करें तो जहां पर भी सोशल गैदरिंग हो सकती है वो सारी जगह बंद रहेंगे। इसके अलावा सैलून, जिम या फिर स्पा, ये सब भी बंद रहेंगे और ये थ्रू आउट द कंट्री बंद रहेंगे, यहां पर जोन का कोई केस नहीं है। इसके अलावा ग्रीन जोन में अगर बात करें तो किया क्या जा सकता है, यहां पर इंटर सिटी नहीं इंट्रा सिटी बस चल सकती है और वो भी केवल और केवल 50% सीटिंग कैपेसिटी को लेकर के, 50% सीटिंग कैपेसिटी मतलब आधी बस को लेकर के ही लोग बस उसको लेकर के चल सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी ढिलाई दी गई है, थोड़ा सा लेवरेज दिया गया है कि लोग मूवमेंट कर सकते हैं। अगर ऑरेंज जोन के बारे में बात करें तो ऑरेंज जोन में ये सारी एक्टिविटीज परमिट की गई है कि टैक्सी या कैब केवल और केवल एक ड्राइवर और एक पैसेंजर को लेकर के जा सकता है अगर वो टैक्सी वाला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट केवल और केवल तभी अलाउड होगा जब उसकी परमिशन ली गई हो। कहां से परमिशन ली गई होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली गई होगी। फोर व्हीलर्स के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स ही केवल और केवल जा सकते हैं अगर कार के बारे में बात कर रहे हैं तो। अगर बाइक के बारे में बात करें तो यहां पर केवल जो पिलियन राइडर है वो जा सकता है, साथ में जो राइडर है वो जा सकता है। तो इस तरीके से यहां पर भी थोड़ी लिवरेज दी गई है, बट यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरती गई है क्योंकि ऑरेंज जोन देखा गया है कि या तो ग्रीन जोन में जा रहा है जिसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन रेड जोन में जाने की संभावना ज्यादा रह रही है। इसके बाद हमारा आता है रेड जोन। रेड जोन में कुछ ज्यादा ही एक्टिविटीज परमिटेड की गई हैं, मतलब कि रोका गया है, लिमिटेड की गई हैं और उसमें से कुछ चीजें ओपन की गई हैं। तो जो ओपन की गई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जो नहीं है वो अपने आप बंद हो जा रही होती है। जैसे यहां पर जब आप फोकस करेंगे तो जितनी भी एमएसएमई सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो सारी परमिट की गई है, बाकियों को बंद रखा गया है। जैसे अगर बात करते हैं लार्ज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ये ओपन रहेंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो ये सारी चीजें खुली रहेंगी, ओपन रहेंगी। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्राइवेट एंड कमर्शियल एक्टिविटीज आर अलाउड हियर, लेकिन ये अलाउड केवल और केवल सावधानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद होगी। इसके अलावा कॉलोनी की अगर कोई शॉप है या आसपास नुक्कड़ में कोई शॉप है तो वो खोल सकते हैं, चाहे वो इसेंशियल गुड्स रखे हों या ना रखे हों तो वो ओपन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो इसेंशियल गुड्स बनाती हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, इनको ओपन करने की इजाजत दे दी गई है। जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं इनको भी अलाउ कर दिया गया है। जितने भी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं रूरल इलाके में उनको भी ओपन कर दिया गया है, जैसे मनरेगा हो गया या जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही होंगी उनको। यहां पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मजदूर आकर के काम नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल इसी डिस्ट्रिक्ट के मजदूर काम कर सकते होंगे और वो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहां पर 33% कैपेसिटी के साथ ये लोग काम कर सकते हैं, बाकी के बचे हुए 67% को वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिस में 33% जो क्लर्क लेवल पे है या नीचे के लेवल पे है वो आएंगे, बाकी जितने ऑफिसर स्केल हैं उन सबको ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे डिफेंस, पुलिस, NYK, नेहरू युवा केंद्र या जितनी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने वाली संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनमें सबको आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मूवमेंट के बारे में बात करें तो देखिए इंडिविजुअल एंड व्हीकल इज अलाउड ओनली फॉर परमिटेड एक्टिविटीज, कुछ ही काम के लिए केवल और केवल ये जारी किया जाएगा। केवल और केवल 2% जा सकते हैं फोर व्हीलर के केस में और सिंगल पर्सन बाइक पे जा सकता है, यहां पर पिलियन को अलाउड नहीं किया गया है। आगे बात करें तो हमारा आता है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में हमारे ये एक्टिविटीज हैं जहां पर मैक्सिमम चीजें बंद रखी गई हैं, जहां पर ओपन केवल रखा गया है 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह के लिए,
जहां पर यह कहा गया है कि यहां पर नॉन एसेंशियल आइटम लेने के लिए ही केवल और केवल लोग जा सकते हैं। अब जैसे इसमें सब्जी लेने वाले हैं, वो रात में ही जाकर के अपनी सब्जियां ले रहे होंगे, तो इस तरीके से काम किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी दैट इज कर्फ्यू, ये हमेशा लागू रहेगा इन इलाकों में जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। फोर व्हीलर के बारे में बात करें तो इट विल हैव मैक्सिमम टू पैसेंजर बिसाइड्स द ड्राइवर एंड पिलियन राइडर विल बी अलाउड ऑन टू व्हीलर। तो इस तरह से काम किया गया है कंटेनमेंट जोन में और यहां पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी गई है। तो ये हम लोगों ने देखा कहां पे क्या अलाउड है, लेकिन इसके अलावा थ्रू आउट द इंडिया कुछ और चीजें हैं जो अलाउड नहीं है। जैसे ऑल द जोन पर्सन एबव 65 ईयर ऑफ एज एंड पर्सन विद कोमॉर्बिडिटी प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 10 ईयर शैल रिमेन एट होम, इनको घर पे ही रहना पड़ेगा, इनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा ओपीडी मेडिकल क्लिनिक्स शैल बी परमिटेड टू ऑपरेट इन रेड एंड ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बारे में बात करें तो यहां पर ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक अलाउड नहीं है खुले, ठीक है, सारे के सारे कोरोना पेशेंट को ही रखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो मैं वन बाय वन बात करूंगा किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। जैसे सबसे पहले तो सबके लिए है कि सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, तो सबसे पहले आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। आप यहां पर धर्म देश विदेश छोड़ करके आप अपने देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। इसके अलावा जो फैमिली में बड़े लोग हैं वो लोग फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम स्पेंड करिए, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये टाइम काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मीडिया का हो रखा है, तो जनरली लोग सोशल डिस्टेंसिंग घर में ही बना के रख लेते हैं, बट ये समय है कि आप ज्यादा से ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर बात करते हैं एस्पिरेंट्स की, तो देखिए आपके लिए तो लॉकडाउन पहले भी था, आज भी है, और जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक रहेगा, तो आपके लिए कोई यहां पर चेंज नहीं है, आपके लिए जिंदगी पहले जैसी ही है। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि जो वॉर हम लड़ने जा रहे थे और उस वॉर से प्रिपरेशन के टाइम पे आदमी यही सोचता है कि यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता और हम ज्यादा अपने वेपन्स को और शार्प कर लेते, तो आप समझ लीजिए जिंदगी में पहली बार आपको ऐसा मौका मिला होगा जहां पर आप अपने वेपन्स को और शार्प कर सकते हैं। और ऐसा मान के चलिए यही वो हमारा टाइम रहेगा जब जैसे ही एग्जाम होगा मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, अगर ये सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरी जिंदगी हो जाएगी गड़बड़। क्यों? क्योंकि आगे प्रिपरेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, आगे अब ये समय नहीं आने वाला है। तो समय की कीमत को पहचानते हुए आपको इस समय को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है। तो ये हुई एस्पिरेंट्स के लिए, जो टू द पॉइंट बात करनी है उनको, उनको टू द स्टिक टू द प्रिपरेशन ही रहना है, उनके लिए किसी प्रकार से कोई भी लेवरेज नहीं दिया जाएगा। अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो देखिए इन लोगों के पास स्कूल के अलावा अपना स्पेयर टाइम है, मैं कहूंगा कि आप अपने स्पेयर टाइम में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को सीखिए, चाहे आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना है फॉरेन लैंग्वेज सीखिए, या कोई अदर एक्टिविटी सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, मोबाइल की कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन सीखनी है, तो आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं अपने इस लॉकडाउन पीरियड में। तो ये थी हमारी लॉकडाउन 3.0। बाकी आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं हमारे recognitionias@gmail.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।